नमस्कार। आज हम उन छोटे किसानों के लिए ट्रैक्टर लेकर के आए हैं जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है किसान भाइयों। और ये ट्रैक्टर ट्रॉली के कामों के लिए, कल्टीवेटर के कामों के लिए और छोटे रोटावेटर के कामों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा माइलेज निकाल करके देने वाला है। हमारे साथ में खड़ा हुआ स्वराज की तरफ से आने वाला स्वराज 733 FE, जो हाल फिलहाल इसके पहले भी आता था लेकिन अब काफ़ी चेंजेस के साथ इसके HP में भी इंक्रीजमेंट हुई है और इसके PTO HP में भी इंक्रीजमेंट हुई है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के मेनली फीचर्स, इसके इंजन के बारे में शुरुआत करेंगे। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन लगाया गया है, RB30XM+3A का जो इंजन है वो मिलने वाला है, जिसकी जो ताकत होने वाली है 35 HP 22.37 kW का इंजन, 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली इंजन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो कंपनी ने लगा के दिया है वो आपको मिलने वाला है। किसान भाइयों, इसके अंदर जो सिलेंडर मिलेंगे आपको, 3 सिलेंडर का माइक्रो बॉस वाला जो इनलाइन पंप है वो मिल जाएगा। एयर फिल्टर की बात करें तो 3 स्टेज वाला आयल बार टाइप का जो प्री क्लीनर वाला जो एयर फिल्टर है वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर इनबिल्ट मिलने वाला है। बोर और स्ट्रोक की अगर बात करते हैं तो 100 का आपको बोर मिलने वाला है, 110 mm का जो स्ट्रोक है वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। और इसके इंजन की बात करें तो ये जो इंजन है लिक्विड कूल इंजन आपको मिलने वाला किसान भाइयों, और इसकी CC 2592 CC मिल जाएगी और 2400 इंजन रेटेड RPM पर ये ट्रैक्टर अपनी पूरी ताकत प्रोड्यूस करके देने वाला है। किसान भाइयों, इसके अंदर नो लॉस टैंक मिल जाएगा, सिंगल और डुअल क्लच आपको मिलने वाला है, यानी कि इस ट्रैक्टर के अंदर डुअल क्लच नहीं मिलेगा आपको, सिंगल क्लच कंपनी प्रोवाइड करवा के देने वाली है। अब बात करते हैं इसके लुक की, तो जो क्लासिक लुक है वही आपको इस ट्रैक्टर के अंदर फ्लैट लुक के साथ, जो इसका बोनट है साइड में खुलने वाला सिंगल पीस बोनट वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है। सामने की तरफ हैलोजन टाइप की दोनों ही हेडलाइटें मिलने वाली है जो कि रात में काफ़ी बढ़िया रोशनी प्रोड्यूस करवा देने वाली है। नीचे की तरफ स्वराज की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाएगी लाल कलर में और क्रीमी वाइट में आपको जो ग्रिल है वो मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ इस ट्रैक्टर को मेंटेन करके रखा गया है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, स्वराज 733 FE की जो ब्रांडिंग है वो आपको साइड में देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप प्रोडक्ट को लॉक और अनलॉक आसानी के साथ कर पाने वाले हैं। किसान भाइयों, इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो नॉन एडजस्टेबल टाइप की जो फ्रंट एक्सल है वो मिल जाएगी। पावर स्टीयरिंग के अंदर ये ट्रैक्टर मिल जाएगी। इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि स्वराज के पेटेंट डिजाइन है, HAPS जो टेक्नोलॉजी के साथ में इसकी जो पावर स्टीयरिंग है वो कंपनी प्रोवाइड करवा के देने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको ये जो स्टीयरिंग है वो पूरी तरीके से पावर स्टीयरिंग मिलने वाली है, मैनुअल टाइप की स्टीयरिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको सिंगल ड्रॉप आर्म नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल आपको स्वराज कंपनी के ट्रैक्टरों में देखने को मिलने वाला। फ्रंट टायर आपको गुडियर का जो टायर है वो 6/16 मिल जाएगा, रेयर टायर गुडियर का ही 12/4/28 का देखने को मिल जाएगा। किसान भाई, सिंगल फुट स्टेप के साथ इसका जो प्लेटफॉर्म है वो अटैच कर पाएंगे और थोड़ा सा बम्प भी है, आपको सेंटर गियर मिल जाएगा, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के अंदर ये ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। और इसके स्पेस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया स्पेसियस प्लेटफॉर्म आपको कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। सेंटर गियर होने के बावजूद भी डीलक्स सीटें मिल जाएंगी जिसे आप आगे पीछे ऊपर नीचे आसानी के साथ एडजस्ट कर पाने वाले हैं। इसके फेंडर की अगर बात आती है, काफ़ी हैवी ड्यूटी फेंडर मिल जाएंगे और बैक रेस्ट भी आपको इनबिल्ट मिलने वाला है। पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की जो स्वराज की ब्रांडिंग है वो इसके स्टीयरिंग के अंदर देखने को मिल जाएगी किसान भाइयों। और यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा का पूरा एनालॉग टाइप का मिल जाएगा, जो पहले सभी ट्रैक्टरों में आता था वही मिल जाने वाला है। PCDC लीवर बिल्कुल ही आपके रीच में मिल जाएगा। इसके ब्रेक की बात करें तो मल्टी डिस्क आयल इमर्स्ड ब्रेकें आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगी, सेंटर गियर मिल जाने वाला है, टूल बॉक्स आपको फाइबर टाइप का साइड में ही देखने को मिल जाने वाला है। किसान भाइयों, इसके अंदर जो गियर है, जो गियर बॉक्स है वो आपको स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स आप इस ट्रैक्टर के अंदर इनबिल्ट मिलने वाला है। इसकी हाइड्रोलिक को लॉक अनलॉक करने के लिए सीट के नीचे आपको लीवर मिल जाएगा और PTO का जो लीवर है वो आपको यहाँ पर सीट के थोड़ा से नीचे देखने को मिल जाने वाला है। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो 46 लीटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिल जाएगी। इसके लेंथ की बात करते हैं 3460 mm की मिल जाएगी विद
विद जो है 1705 mm का मिल जाएगा, वो भी 2055 mm का मिल जाएगा। और चलेंगे इस ट्रैक्टर के बैक एंड की तरफ, बात करते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर जो हाइड्रोलिक है उसकी क्षमता की। तो 1150 किलोग्राम का जो हाइड्रोलिक है वो मिल जाने वाला है, और इसके SHC की बात करें तो 272 ग्राम पर किलोवाट के हिसाब से ये ट्रैक्टर डीजल की खपत करके देने वाला। PTU हॉर्स पावर की अगर बात आती है तो 20.6 किलोवाट की जो PTU है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवा देती है इस ट्रैक्टर के अंदर किसान भाइयों। और इसके अंदर जो वारंटी गारंटी आती है उसकी अगर बात करते हैं तो 2 साल या 2000 घंटे की जो वारंटी है वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगी। सिंगल QRC कपलर भी आपको इसके अंदर लगी हुई मिलने वाली है, जिसको ऑपरेट करने के लिए जो लीवर है वो आपको नहीं मिलने वाला किसान भाइयों। सीट के जस्ट पीछे लाइट रिफ्लेक्टर और बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। इसके लिंकेज की अगर बात करें तो काफ़ी एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी लिंकेज और बॉक्स टाइप का स्टेबिलाइजर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी प्रोवाइड करवा देती है किसान भाइयों। इसके फेंडर की बात आती है तो काफ़ी हैवी ड्यूटी वाले जो फेंडर हैं वो मिल जाएंगे। फेंडर के ऊपर चारों जो लाइटें हैं वो रेगुलर टाइप की मिल जाएगी। बैक लाइट की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर लोहे वाली जो हैलोजन टाइप की वर्क लैंप है वो कंपनी ने मेंटेन करके रखी हुई है। रेयर एक्सल की अगर बात करें, स्ट्रेट टाइप का बुलियन पिनियन वाला जो इसका एक्सल है, काफ़ी बढ़िया हैवी ड्यूटी वाला जो एक्सल है वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दिया हुआ। किसान भाइयों, इसके फेंडर के अंदर काफ़ी बढ़िया गैप आपको मिल जाने वाला है और आप अपने ट्रैक्टर की सफाई आसानी के साथ कर पाने वाले। डबल टेंडम पंप मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से पावर स्टीयरिंग है, एक पावर स्टीयरिंग के लिए, दूसरा हाइड्रोलिक के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिक फिल्टर काफ़ी बड़े साइज का और मोबाइल फिल्टर पंप के नीचे देखने को मिल जाएगा। सेल्फ मोटर काफ़ी बढ़िया कॉम्पैक्ट साइज की आपको कंपनी फिटेड ही देखने को मिल जाने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया, इस ट्रैक्टर के अंदर जो स्वराज का इंजन है वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलने वाला इंजन है। लो मेंटेनेंस वाला जो इंजन है वो मिल जाने वाला है। लो फ्यूल कंजप्शन वाला जो इंजन है वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया है। बैटरी साइड माउंटेड ही आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगी। बैटरी बॉक्स के ऊपर स्वराज की जो ब्रांडिंग है वो प्रॉपर तरीके से उभरी हुई दिखाई देने वाली है। एग्जॉस्ट पाइप आपको इस ट्रैक्टर के अंदर वही क्लासिक लुक वाली, और इसी के अंदर एग्जॉस्ट मफलर भी इनबिल्ट मिलने वाला है, जिसके एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर स्वराज की जो ब्रांडिंग है उभरे में वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवा के देने वाली है। किसान भाइयों, इसके एक्स शोरूम प्राइस की अगर बात आती है तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत होने वाली है 5,40,000 रुपये की कीमत में, इस ट्रैक्टर की जो राज्य के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से जो कीमत है वो अलग अलग होने वाली है। और इसकी जो सही कीमत है, आप डीलरशिप पे आइए, यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जो रियल कीमत है वो मिल जाने वाली है किसान भाइयों। इसकी जो गारंटी वारंटी है 2 साल या 2000 घंटे की आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। तो किसान भाइयों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो टेक्नोलॉजी है किसान भाइयों, वो पेटेंट डिजाइन या आपको इस स्वराज ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाली है, वो अन्य ट्रैक्टरों में इसकी जो पावर स्टीयरिंग की टेक्नोलॉजी है वो नहीं यूज होने वाली। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।